हेलो एवरीबॉडी दिस इज कमल सर इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की जो आया था इन नवंबर 22 फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन बड़ा सिंपल है क्वेश्चन 5 ए है कंसीडर द द फॉलोइंग ग्रामर एंड फॉर स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है एल एम डी आर एम डी और आपको एक और चेक करना है कि क्या ये ग्रामर एम्बिग्यूस है तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे एल एम डी से uh, हमारा रिक्वायरमेंट है आई बी टी ए तो हमने स्टार्ट किया विद सेइंग विध से आईसीटीएस फिर लेफ्ट मोस्ट को रिप्लेस किया विद अ बी लेफ्ट मोस्ट को रिप्लेस किया विद ए यूजिंग व्हाट आई एम गिवन आउट हियर फिर आपके पास आता है एस और एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको फिर से रिप्लेस करना चाहेंगे विद आईसीएस लेफ्ट मोस्ट को रिप्लेस किया विद अ बी एंड लेफ्ट मोस्ट को रिप्लेस किया विद अ ए अब इसी का हम परफॉर्म करेंगे आरएमडी हमने स्टार्ट किया आईसीटीएस फिर राइट right मोस्ट को रिप्लेस किया विद आईसीटीएस फिर एस को रिप्लेस किया विद ए सी को रिप्लेस किया विध बी एस को रिप्लेस किया A, and C को replace किया B. तो फर्स्ट पार्ट ग्रामर इज एम्बिक मैंने बताया था ग्रामर इज सेंटेंस यूजिंग मोर देन वन एल एम डी और मोर देन वन आर एम डी तो कुछ एग्जाम्पल्स अज्यूम करते जाइए और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा अरे यार इस sentence का तो दो एल एम डी है तो मैंने भी एक एग्जांपल ले लिया से आई बी टी आई बी टी ए ए और हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मोर देन वन एल तो हमने स्टार्ट किया ये हमारा रिक्वायरमेंट ओके यू कैन मेक अदर अजम्पन आल्सो हमने कहा एस डिराइव आई सी टी एस फिर लेफ्ट मोस्ट को रिप्लेस किया फिर लेफ्ट मोस्ट को रिप्लेस किया फिर लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट आई बी टी बट इसी को करने का एक और एल

Ambiguous. Thank you for watching the video. Do share with your friends if you like it.